नमस्कार दोस्तों, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं पुराने एआईबी के क्वेश्चन से रिलेटेड। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था आर्टिकल जो सेक्शन 66 से है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है इन केस ऑफ श्रेया सिंह श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में। बिकॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया गया, किस बेसिस पे? इसके दो बेसिस हैं, एक तो डिजिटल एब्यूज और दूसरा साइबर स्टैकिंग। डिजिटल एब्यूज मतलब टेक्सटिंग और सोशल नेटवर्किंग में किसी सोशल नेटवर्किंग के माध्यम को यूज करके, मैसेजिंग, SMS, किसी तरह की इस तरह के माध्यमों को यूज करके किसी को थ्रेट करना, धमकाना, डराना, परेशान करना। और साइबर स्टैकिंग में ये हो सकता है जैसे किसी किसी की जासूसी की जा रही है या कुछ किया जा रहा है, तो इस तरह के मामले जो आते हैं उसमें एक तरह का पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो जाता है, लोगों का सोशल मीडिया एक तरह से जज का काम करने लगती है। तो इसको जो है जो राजनेता है वो अपने पक्ष में भुनाते हैं, कई बार पुलिस वाले भी गलत तरीके से धमकाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। तो इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी पिटीशन डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक तरह से सेक्शन 66A जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये किस केस में हमें इससे मतलब है, और मेनली हमें मतलब है कि क्या बेस है इसका? तो इसका बेस जो है डिजिटल एब्यूज और साइबर स्टैकिंग है। तो ये क्वेश्चन आया है AIB 2015 का क्वेश्चन है ये। इसमें श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसका केस लॉ से रिलेटेड जो ये केस है वो श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है, और इसका जो बेस है वो भी आ सकता है जैसे डिजिटल एब्यूज है, साइबर स्टैकिंग है। तो इस बार क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा के आ सकता है कि श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया किस बेसिस पे, तो डिजिटल एब्यूज और साइबर स्टैकिंग के बेसिस पे। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के दोबारा भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन था ए टीचर इज नॉट अ वर्कमैन विद इन अ परव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हेल्ड इन दिस केस। तो ये ए सुंदरम बल वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ गोवा का केस है। एक सबसे पहले तो ये समझो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट होता क्या। इंडस्ट्रियल मतलब कि इंडस्ट्रियल तो समझ में आता है, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी कि जो कंपनीज है इंडस्ट्रीज का झगड़ा, इंडस्ट्रीज का झगड़ा कब होगा? तो एक तो होता है जैसे कि वेजेस को लेके, तो वेजेस के लिए तो भाई वेजेस एक्ट है। पीएफ से रिलेटेड कोई बात है तो पीएफ एक्ट है इसका। जीएसटी से रिलेटेड है तो जीएसटी एक्ट है। तो यहाँ पे किस झगड़े की बात हो रही है, ना पीएफ से रिलेटेड है ना वेजेस से रिलेटेड है, और अगर लेबर लॉ है तो लेबर से तो लेबर लॉ है उसके लिए, तो फिर इन सब चीजों की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे किस झगड़े की बात की जा रही है? तो यहाँ पे झगड़े की बात की जा रही है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट किन किन चीजों पे डील करता है वो भी मैं एक क्वेश्चन कंप्लीट करा देता हूँ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, जैसे स्ट्राइक है तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किस में काम करता है? ये सेक्शन 2S में जो वर्कमैन की डेफिनेशन बताई गई है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, वो वर्कमैन में कौन कौन से लोग हो सकते हैं? देखो दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, वर्कमैन में क्या हो सकते हैं? मैनुअल वर्क, तुम्हारा मैनुअल वर्क जो लोग करते हैं, जो लोग टेक्निकल काम करते हैं, ऑपरेशन काम करते हैं, क्लिनिकल काम करते हैं, या सुपरवाइजरी, या स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क। तो इस तरह के जो वर्क होते हैं वो तुम्हारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आते हैं। तो वर्कमैन की डेफिनेशन सेक्शन 2S के अकॉर्डिंग क्या है? वर्कमैन आर दोज हु आर डूइंग मैनुअल वर्क, वो जो मैनुअल वर्क करते हैं, टेक्निकल वर्क कर सकते हैं, ऑपरेशनल काम करते हैं, क्लिनिकल वर्क करते हैं, सुपरवाइजरी करते हैं, स्किल्ड वर्क करते हैं, अनस्किल्ड वर्क करते हैं। तो ये चीज दिमाग में अब चार चीजें बिठा लो, वर्कमैन कौन है सेक्शन 2S में डिफाइंड किया गया, और कौन हो सकते हैं? जो मैनुअल वर्क करते हैं, जो टेक्निकल वर्क करते हैं, जो ऑपरेशनल वर्क करते हैं, जो क्लिनिकल वर्क करते हैं, जो सुपरवाइजरी करते हैं, स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, ये होते हैं वर्कमैन। चार कैटेगरी में इनको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो एक वर्कमैन हो गया, दूसरा कौन हो गया? कंपनी का मालिक हो गया। तो मालिक से जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है। तो ये झगड़ा किसके बीच में होगा? या तो मालिक नौकर के बीच में, नौकर मालिक के बीच में, मालिक मालिक के बीच में, नौकर नौकर के बीच में हो सकता है, ठीक है।
तो उसके उसकी जड़ की उसकी जड़ क्या है, उसकी वजह से क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है स्ट्राइक, कहने भाई बहुत काम करा लिए तुमने, नहीं कर रहे, सो रहे। माल बॉस ने कहा चलो कंप्यूटर में ये पीपीटी बना के लाओ, नहीं बना रहे, मन नहीं कर रहा मेरा, स्ट्राइक है आज। तो क्या होगा ये, तो क्या ये स्ट्राइक में आएगा? ये नहीं आएगा स्ट्राइक में। क्यों नहीं आएगा स्ट्राइक में? उसका रीजन है, ये पर्सनल झगड़ा है भाई, बॉस का और एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय बॉस से खुन्नस खाए बैठा है। तो ये पर्सनल झगड़ा क्यों है? ये पर्सनल झगड़ा इसलिए है क्योंकि जो एम्प्लॉय है ये अकेला है, और ये बॉस है ये भी अकेला है, तो इन इनकी आपस की लड़ाई है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपस की लड़ाई में कोई झगड़ा होगा? नहीं होगा। जैसे कि मूवी देखी थी अक्षय कुमार की और अमरीश पुरी की आपने, तो अमरीश पुरी क्या करता है, अमरीश पुरी की जो अक्षय कुमार, अमरीश पुरी की वाइफ होती है प्रियंका चोपड़ा, तो इनका अफेयर हो जाता है, प्रियंका चोपड़ा को अक्षय कुमार से अफेयर के बेसिस पे अमरीश पुरी कंपनी से निकाल देता है। तो क्या इस केस में स्ट्राइक आउट कर सकता है अक्षय कुमार? ये स्ट्राइक में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनका पर्सनल झगड़ा है, उसने उसकी वाइफ के साथ, मतलब उसका उसकी वाइफ के साथ संबंध था, इस वजह से उसने, जो कंपनी का मालिक है, उसने उसको कंपनी से निकाल दिया। तो ये इनका पर्सनल झगड़ा था। अब ये झगड़ा कब बन जाएगा स्ट्राइक में, कब कन्वर्ट हो जाएगा? जब मान लो अनिल, एक मूवी देखी होगी आपने, पुरानी मूवी है जिसमें अनिल कपूर होता है और श्रीदेवी होती है, श्रीदेवी कंपनी की मालिक होती है। तो अनिल कपूर क्या करता है कि अनिल कपूर को नौकरी से निकाल देती है। जब अनिल कपूर को नौकरी से निकाल देती है तो उसके बाद कंपनी के सारे एम्प्लॉय अनिल कपूर के समर्थन में आ जाते हैं और हड़ताल कर देते हैं, कहते हैं हम अनिल कपूर के समर्थन में हैं। तो इसलिए वो क्या हुआ, अब वो हड़ताल हो गई। यानी कि जब एक वर्कर पे कोई बात हो जाए, गलत बात हो जाए, तो उसकी वजह से बाकी सारे वर्कर उसके समर्थन में आ जाते हैं। जैसे कि एक और एक एड देखा होगा आपने कि एक बार एक बॉस होता है, तो बॉस क्या करता है कि एक एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर निकाल देता है। एक एड है, काफी देखी भी होगी आपने। तो एम्प्लॉय आते हैं, बॉस आई एम क्विट टू दिस कंपनी। बॉस बोला भाई क्या बात हो गई? बोला कि यार आपकी दीवार का जो पीछे का कलर है ना, वो रेड है, मुझे ग्रीन अच्छा लगता है, आई एम क्विटिंग यार। बॉस बोला यार ये कौन सी बात हुई यार। अगला बंदा आया, बॉस आई एम रिजाइनिंग। बोला क्या बात हुई? अरे वो गार्ड बाहर है, वो मुझे सैल्यूट नहीं करता है, तो मैंने रिजाइन कर दिया। तीसरा बंदा आया, बॉस आई एम रिजाइनिंग। बोला भाई तुम्हें क्या बात हो गई? बोला वो यार बॉस यहाँ का ना, जो मेरे पीछे का बल्ब है ना, वो मेरे सर पे चमकता रहता है, और वो मुझे, मैंने कई बार हटाने के लिए बोला, अब मैं परेशान हो गया, मैं अब मैं नहीं कर सकता जॉब यहाँ पे, मैं क्विट कर रहा हूँ। अब बॉस को लगे यार ये कोई ढंग के रीजन दो यार, ये क्या बीएड बीएड से रीजन दे रहे हो तुम लोग कि किसी को बल्ब अच्छा नहीं लग रहा है, कोई कह रहा है यार तुम, मैं इस वजह से नहीं रहना चाहता हूँ, कोई 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 रीजन दे रहा है, कोई ढंग का रीजन लेके आओ। तो फिर बोला कि तुमने उस एम्प्लॉय को निकाला बिकॉज ही वॉज एच आई वी पॉजिटिव, तो तुमने कौन सा ढंग का रीजन दिया उसे निकालने के लिए? तो यानी कि उस व्यक्ति के साथ, क्योंकि बिकॉज ऑफ ही इज एच आई वी पॉजिटिव, तो इसलिए उसको निकाल दिया कंपनी से, बिकॉज ये भी पता है कि छूने से संक्रमण से नहीं फैलती। फिर भी तो फिर उसका क्या बेस था, उसका एम्प्लॉयमेंट में हक था, और तुमने उस बेसिस पे क्यों निकाला उसको? तो इस वजह से काफी लोग उसके समर्थन में आ गए, तो उसको बोलेंगे स्ट्राइक, ठीक है। ले ऑफ क्या होगा? ले ऑफ जैसे कि कोई आईटी कंपनी में क्या होगा भाई, 2 महीने की सैलरी लो या 4 महीने की सैलरी लो और जाओ, हम कंपनी मास लेआउट कर रही है, कोई कंपनी के पास अब प्रोजेक्ट नहीं रहा, तो अब जब सब लोग जितने प्रोजेक्ट में रिलेटेड हैं, अब उनको कंपनी बिठा खिला नहीं सकती है, सब लोग जाओ। लॉकआउट क्या हुआ, वर्कर ने स्ट्राइक लगाई करी, कंपनी का मालिक बोला अच्छा बेटा ठीक है स्ट्राइक, अब तुम खाओ और बनाओ, अब 1 महीने के लिए कंपनी बंद, ये लगा ताला, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्राइक, ले ऑफ, लॉकआउट, ये हो गए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के टाइप, ठीक है, ये झगड़े के टाइप हो गए, इस वजह से झगड़े होते हैं। तो अब एक झगड़ा ये था इसमें कि टीचर, टीचर इज नॉट अ वर्कमैन विद इन द प्रीव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के लिए क्या होना चाहिए, वर्कमैन होना चाहिए। वर्कमैन होने की क्या कंडीशन है, कि वर्कमैन मैनुअल वर्क कर सकता है, टेलीफोन
टेक्निकल वर्क कर सकता है, ऑपरेशनल वर्क कर सकता है, क्लिनिकल वर्क कर सकता है, सुपरवाइजरी कर सकता है, स्किल्ड वर्कर हो सकता है, अनस्किल्ड वर्कर हो सकता है। ठीक है, तो अब टीचर की किस कैटेगरी किस में आती है, क्या टीचर तुम्हारा इस कैटेगरी में फिट बैठता है? तो लोगों ने कहा नहीं यार, टीचर जो है वो कुछ क्लैरिकल वर्क भी करता है, तो इसलिए टीचर को वर्कमैन की कैटेगरी में लाना चाहिए। तो अब टीचर क्लैरिकल वर्क क्या है, वो उसका परमानेंट जॉब है। प्रिंसिपल वर्क क्या है उसका? प्रिंसिपल वर्क उसका टीचिंग है। क्लैरिकल वर्क तो उसका इंसिडेंटल है, एक्सीडेंटल वर्क है, यानी कि उसको करना पड़ता है। अगर बच्चों का असाइनमेंट नहीं बनाएगा तो फिर बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? पढ़ाने के बाद उनको होमवर्क देगा तो असाइनमेंट है, तो ये तो उसके वर्क जॉब का पार्ट है। ये परमानेंट पार्ट जो प्रिंसिपल वर्क उसका क्या है? टीचिंग। प्रिंसिपल वर्क वो नहीं, वो असाइनमेंट तो अपने एक दूसरे व्यक्ति को, स्टाफ को भी दे सकता है कि भाई तुम ये काम करो, तुम असाइनमेंट बनाओ और मैं मेरा काम केवल पढ़ाना है, तो वो तो किसी और को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है असाइनमेंट वगैरह काम। तो इसलिए प्रिंसिपल वर्क उसका टीचिंग है। तो इसलिए टीचर को ये कहा जाता है कि एजुकेशन जो है वो कैन नॉट बी कंसीडर्ड इन स्किल्ड, अनस्किल्ड, सुपरवाइजरी, टेक्निकल और क्लैरिकल वर्क। इस तरह के वर्क में एजुकेशन नहीं आता कि वो स्किल्ड वर्क है या अनस्किल्ड वर्क है। ये स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्क नहीं है, कोई सुपरवाइजरी नहीं है, कोई टेक्निकल काम नहीं है, टेक्निकल वर्क नहीं कर रहा है वो, क्लिनिकल क्लैरिकल वर्क नहीं कर रहा है वो, क्या कर रहा है वो? प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन, नोबल वोकेशन वर्क कर रहा है, वो नोबल वोकेशन कर रहा है, यानी ही इज बिल्डिंग समवन्स करियर। वो एजुकेट कर रहा है पीपल को जो किसी ना किसी इंडस्ट्रीज में जाके काम करेंगे। तो इसका कंक्लूजन ये निकला था इसके, इवन अगर हम इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री मान भी लें, बट वी कांट कंसीडर टीचर एज अ वर्कमैन। तो हम टीचर को फिर भी वर्कमैन कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो केस लॉ है ये रिलेटेड है सुंदरम्बल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट कर सकते हो तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।